तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो गुड न्यूज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक गुड न्यूज तो हर सप्ताह आती है जो इस बार भी बहुत बड़ी गुड न्यूज बनकर आई है, तो दूसरी गुड न्यूज के बारे में आप लोग मुझसे काफी समय से पूछ रहे थे तो उसको लेकर फाइनली अपडेट निकल कर आया है और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस गुड न्यूज की जो आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये गुड न्यूज जुड़ी हुई है हमारी नौसेना के MiG-29 के से संबंधित। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि MiG-29 के अंदर DRDO द्वारा तैयार किए गए हथियारों के इंटीग्रेशन हो पाए इसके लिए इसके मिशन कंप्यूटर के ऊपर काम किया जा रहा है और इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द इनका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा जिसके बाद शुरुआती तौर पर अस्त्र मिसाइल्स को MiG-29 के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा और फाइनली इनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो नौसेना की तरफ से अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर था वो पहले ही BDL को दे दिया गया था, नौसेना की तरफ से भी और वायुसेना की तरफ से भी। तो मिसाइलों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे पास इस समय जो नौसेना के पास बेड़ा है MiG-29K का, इसके अंदर मिशन कंप्यूटर को रिप्लेस करना था, जो मिशन कंप्यूटर हमारी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेशन के लिए सपोर्ट करे, जो कि हमारे DRDO द्वारा तैयार किया गया और अब बताया जा रहा है कि इसके इंटीग्रेशन का काम शुरू हो चुका है और इसके अलावा इस साल को खत्म होने से पहले पहले ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, यानी हमारे MiG-29 के अंदर नए मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे जिसके बाद इनकी सिचुएशनल अवेयरनेस वगैरह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ में हमें ये अनुमति देगा कि अस्त्र मिसाइल्स का इंटीग्रेशन हमारे MiG-29 के बेड़े में किया जा सके। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक हर हाल में हमारे MiG-29 से अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सके इसके लिए पूर्णतः मंजूरी मिल जाएगी। बस इससे पहले एक छोटी सी प्रोसेस बाकी रहेगी और वो प्रोसेस रहेगी टेस्ट संबंधित, यानी अब मिशन कंप्यूटर का इंटीग्रेशन चल रहा है, उसके बाद एक मिसाइल इसके अंदर इंटीग्रेट करके उसकी टेस्ट ली जाएगी, उसके बाद हमारे पूरे बेड़े के अंदर आप अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए जो मिशन कंप्यूटर के ऊपर काम किया जाना था जिसके लिए पहले रशियन कंपनी से अनुमति मांगी गई, उनके द्वारा अनुमति दी गई, फिर उसका सोर्स कोड हमारे साथ शेयर किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही हमारी नौसेना द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसके लिए उन्नत मिशन कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केवल अस्त्र मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी और भी कई सारी इंडिजिनस मिसाइल्स हम लोग इस प्रक्रिया में शामिल कर पाएंगे, जिसमें हम लोग शॉ का नाम ले सकते हैं, इसके अलावा हमारी जो रुद्रम मिसाइल्स है उनका इंटीग्रेशन, ये सारी कुछ चीज़ें अब पॉसिबल हो जाएगी। इसके बाद अब बात कर ली जाए दूसरी गुड न्यूज़ की, जो कि लगातार हर सप्ताह आ रही है और बढ़कर आ रही है और ये जुड़ी हुई है सीधे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित। और इस सप्ताह बताया जा रहा है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल आते हुए 7.196% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी $7 बिलियन से ज्यादा की रकम एक ही सप्ताह में हमें प्राप्त हुई है। और इस तरह से अगर हमारे टोटल विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो वो इस समय $595 के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ, इस समय टोटल हो चुका है $995.976 अरब। तो अगर अगले सप्ताह इतनी ही लगभग बढ़ोतरी और हो जाती है जिसके कि आसार पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि $600 बिलियन के आंकड़े को हम लोग बड़ी आसानी से इस बार पार कर जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर इसी रफ्तार से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ते रहा तो हम लोग अक्टूबर 2021 वाली स्थिति में आ जाएंगे जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के सर्वाधिक ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था और ये था $645 बिलियन जो कि हमने इससे पहले और इसके बाद कभी भी अचीव नहीं किया था। लेकिन दोस्तों वो दौर आपको याद ही होगा 2022 का, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और हमारी मुद्रा की स्थिति लगातार डॉलर के मुकाबले गिरने की वजह से इस विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ज्यादा घटोतरी होती गई और जो हमारा ड्रीम था 2021 में कि $645 बिलियन तो हो चुका है, आने वाले 2 सालों में हम लोग और अगर इसी तरह की मेहनत करेंगे तो ये $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, वो सपना टूट गया 2022 में। लेकिन 23 बहुत अच्छा शुरुआत लेकर आया है और शुरुआती महीनों से लेकर अभी तक हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि बढ़ोतरी होती ही जा रही है। तो अभी मॉर्निंग वाली वीडियो में ही हम लोगों ने जाना कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस की भेंट चढ़ चुका है, तो वहीं भारत इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इससे अच्छा समय हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता। एक्चुअली इस समय को अमृतकाल कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा।